पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार एक हिंदू दलित महिला को सीनेट मेंबर के तौर पर चुना गया है। पाकिस्तान की कृष्णा कुमारी कोहली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ओर से सीनेट मेंबर चुनी गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ओर से सीनेट के लिए पहली बार एक हिंदू दलित महिला को चुना गया है। 39 साल की कृष्णा कुमारी कोहली पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के थार जिले की हैं और सोशियोलॉजी में मास्टर्स हैं। कृष्णा पाकिस्तान में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। वे महिलाओं के अधिकारों, बंधुआ मजदूरी और ऑफिसेस में होने वाले यौन शोषण के खिलाफ लगातार आवाज उठाती रही हैं। कृष्णा खुद एक बंधुआ मजदूर रह चुकी हैं। महज 10 साल की उम्र में कृष्णा का अपहरण कर लिया गया था और बंधुआ मजदूर बना लिया गया था। इतना ही नहीं, 16 साल की उम्र में कृष्णा की शादी कर दी गई थी। शादी के बाद भी कृष्णा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ ही वो समाज सेवा के कामों में भी सक्रिय रहीं। दलितों के अधिकारों के लिए और पाकिस्तान के थार और आसपास के क्षेत्र में रह रही माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए काम करती रही हैं। कृष्णा स्वतंत्रता सेनानी रूपल कोहली के परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जिन्होंने 1857 में नगर पार्कर से आजादी की लड़ाई लड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।